कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। 9 सदस्यीय कमेटी बैठक कर आगे की रणनीति करेगी तय। संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी मांग, संसद में औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हों, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन बिल भी वापस लिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे, एमएसपी पर भी गारंटी कानून बने, किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी हो बात। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत एबीपी न्यूज से बोले, ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम का आभार, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी जो थी उस पर भी पीएम अपना बयान जारी करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गन्ना किसानों को नहीं, पीएम मोदी पर यकीन, कहा कई वादे पहले भी किए जो पूरे नहीं हुए, चुनाव में फायदे के लिए कृषि कानून वापसी का ऐलान किया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसानों ने जमकर जश्न मनाया, मिठाई बांटी, गुलाल उड़ाया, बोले हम जीते सरकार हारी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में कहीं खुशी तो कहीं मायूसी और गम भी है। पंजाब के संगरूर में आंदोलन के वक्त जान गंवाने वाले किसानों के परिजन दुखी हैं, पीएम से सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस आज पूरे देश में मनाएगी किसान विजय दिवस। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं, जिला और ब्लॉक स्तर तक कैंडल मार्च आयोजन के लिए कहा है। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में किया बड़ा ऐलान, कहा तीनों नए कृषि कानून वापस ले रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से चल रहा है किसान आंदोलन। तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए बोले पीएम मोदी, मैं क्षमा मांगता हूं कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, तपस्या में ही कमी रह गई। पीएम मोदी ने किसानों के आंदोलन को खत्म कर घर जाने की अपील की है। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों की वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने तक आंदोलन से लौटने को तैयार नहीं है किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि सुधार की दृष्टि से कानून लेकर आए, मुझे दुख है कि इन कानूनों के फायदे हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया, कहा पीएम हमेशा किसानों के हित में फैसले लेते हैं, हर भारतीय का कल्याण पीएम की प्राथमिकता। कृषि कानून वापसी पर बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सबसे पहले पंजाब ने ही उठाई थी आवाज, सिद्धू बोले खेती के लिए नया रोडमैप लेकर आए सरकार। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद पंजाब में खुलकर बीजेपी के साथ आए पूर्व सीएम अमरिंदर, बोले बीजेपी के साथ सीट शेयर कर लड़ूंगा चुनाव, पीएम ने माफी मांगकर किसानों के लिए बड़ा दिल दिखाया है। कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की भी कयास अब तेज हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था, हालांकि सुखबीर सिंह बादल अभी इस पर कुछ नहीं बोलते नजर आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के फैसले को देश हित में लिया गया फैसला बताया, लालू यादव बोले चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस लिया। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कृषि कानून को भविष्य में लागू करने की मांग की, कहा कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद, भले देश में कुछ लोगों का साथ न मिले लेकिन बिहार के किसान पूरी तरह कानून के साथ। कृषि कानूनों की वापसी पर सियासी बयानबाजी तेज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत बताया, कहा किसानों की कुर्बानी रंग लाई, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार हार गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, बोले संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने लिखी किसानों के नाम चिट्ठी, लिखा संघर्ष और बलिदान के दम पर जो सत्याग्रह आपने जीता है उसकी दूसरी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। राहुल गांधी बोले देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, ये असत्य पर सत्य की जीत का बेजोड़ उदाहरण, जय हिंद का किसान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब किसानों पर लाठियां चलाई गई, गाड़ियां चढ़ाई गई, तब पीएम कहां थे, अब चुनाव है तो पीएम माफी मांग रहे हैं, कैसे इनकी नियत पर भरोसा किया जाए। कांग्रेस के यूपी चुनाव के प्रभारी भूपेश बघेल ने भी कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया, कहा पीएम के अहंकार की हार हुई, किसानों को अभी अपना धरना खत्म नहीं करना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर कन्हैया कुमार ने कसा तंज, ट्वीट कर बोले तपस्या की वेदी में और कितनी आहुति लोगे महाराज साहिब,
गुमराह नहीं कर पाए तो समझा नहीं पाए बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। टीएमसी सांसद शांतनु सेन बोले, चुनावी राज्यों में हार के डर से पीएम मोदी को झुकना पड़ा। ये साबित हो गया कि मोदी और शाह अब तक पूरी तरीके से देश का लोकतंत्र खत्म नहीं कर पाए। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी आया बयान, बोले किसानों का संघर्ष रंग लाया, फैसला पहले होता तो 700 किसानों की जान बच सकती थी, देश में किसानों से बड़ा कोई नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, देश में आम आदमी की ताकत कितनी है ये पीएम मोदी के नए फैसले ने बता दिया, सभी दलों को विश्वास में लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, बोले बिना बातचीत के लाए गए ये तीनों बिल और कृषि कानून बना दिए गए, किसानों को केंद्र सरकार ने विश्वास में नहीं लिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, बोले कृषि कानून यूपी चुनाव की वजह से वापस लिए, किसानों की वजह से नहीं, वोटों की चिंता है, सतर्क रहें, चुनाव बाद मोदी सरकार फिर ला सकती है कानून। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोली, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दे केंद्र सरकार, एमएसपी पर कानून भी जल्द बने। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का निशाना, कहा बीजेपी ने चुनाव में हार के डर से ये फैसला लिया, ये आंदोलन और किसानों की जीत, मोदी सरकार को सीएए कानून भी वापस लेना पड़ेगा। पीएम मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम आज और कल लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, कल गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पीएम मोदी ने यूपी के बुंदेलखंड को दी सौगात, महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया, बांदा हमीरपुर महोबा में दूर होगी पानी की किल्लत। महोबा में बोले पीएम मोदी, गरीबों और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता, परिवारवाद से ग्रस्त सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपना भला किया। महोबा में विपक्ष पर मोदी का बड़ा प्रहार, कहा कुछ नेता समस्याओं की राजनीति करते हैं, हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं, सीएम योगी की मोदी ने जमकर तारीफ की। झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना को दी नई सौगात, वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और थल सेना को ड्रोन सौंपे, बोले यूपी को राष्ट्रीय रक्षा की उपजाऊ भूमि बनाना है। झांसी में पीएम मोदी ने कहा, पहले भारत की पहचान हथियार खरीदार देश के रूप में थी, आज देश का मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम दूसरे देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। झांसी में पीएम मोदी ने किया रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र, बोले लक्ष्मीबाई के पास तब संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो आज इतिहास कुछ और ही होता, भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। झांसी के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पहले भारत 65% हथियार आयात करता था, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में 65% स्वदेशी हथियार हो रहे हैं इस्तेमाल। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल की अटकलें हुई तेज, प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे और बोले कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस ने उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया, अविनाश पांडे को उत्तराखंड, जयराम रमेश को मणिपुर और रजनी पाटिल को गोवा का प्रमुख बनाया गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई मंत्री और विधायक आज करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे, सिद्धू को सीएम चन्नी के साथ जाने की अनुमति नहीं मिली थी। पंजाब कांग्रेस के झगड़े में सिद्धू की मांग हुई पूरी, चन्नी सरकार ने डीएस पटवालिया को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया, सिद्धू के करीबी माने जाते हैं पटवालिया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों पर तेज होती सियासत, बीजेपी वाट घटाने की मांग के साथ आज पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम करने वाली है। बीजेपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम नीतीश कुमार का बयान, बिहार में जाति आधारित जनगणना पर फैसला लेने के लिए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, कहा पहले भी मैं साफ कर चुका हूं कि जनगणना का विकल्प हमारे सामने खुला है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में रो पड़े पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, मौजूदा जगमोहन सरकार पर लगाया अपमान का आरोप, कसम खाई, बोले जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।